इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी फाइवर की गिग में FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसका आपकी गिग को फायदा क्या होता है। ये जो होता है ना FAQ का सेशन, ये फाइवर की गिग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग के हवाले से ये सवालात हैं और इसका फायदा इन सवालात का क्यों होता है, ये क्यों लगाया गया है, और दूसरी बात कि बायर को ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिखाई देता है, और ये वाला ऑप्शन आपके ऑर्डर्स को कैसे इंक्रीज कर सकता है, कैसे आपका टाइम बच सकता है, और कैसे आपके हर चीज मैनेजमेंट हो सकती है, वो भी FAQ सेशन के थ्रू। तो चलें चल के अपनी गिग के अंदर सीखते हैं कि FAQ वाला सेशन लगाया कैसे जाता है और आपको कैसे पता चलेगा आपने यहाँ पर कौन से सवालात लिख कर लगाने हैं, कैसे उनके जवाबात ढूंढने हैं, और आपको पता कैसे चलेगा आपने सवालात पिक कैसे करने हैं फाइवर पर, दूसरों की गिग पर जाकर के कैसे आपने सवालात बनाने हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन उसका आइडिया कॉपी करना है, सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलें फिर अपने गिग को एडिट करते हैं और FAQ सेशन लगाते हैं अपनी गिग पर, ताकि आपकी गिग अच्छे से बूम कर सके। तो जैसे ही आपने अपनी फाइवर की गिग को एडिट करना है, सबसे पहले आप आते हैं ओवरव्यू पर। नाउ इसके बाद आपने सीधा जाना है डिस्क्रिप्शन एंड FAQ सेशन में, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें दिखता है डिस्क्रिप्शन, इसको आप अच्छे से लिख लें, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी गिग में। यहाँ से हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यहाँ पर है एड FAQ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर योर बायर। अब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या और ये गिग में क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसे सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं और आपको लगता है कि यार जो बंदा मुझे ऑर्डर देगा शायद वो ये सवाल मुझसे पूछे, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ पर लिख के रख दूँ, बजाय इसके कि वो मुझे मैसेज करें फिर सवालों के जवाब उसे मिलें और फिर वो मुझे ऑर्डर करें ना, तो मेरा भी टाइम जाए और उसका भी। तो ये मतलब है, इसलिए फाइवर ने यहाँ पर लगाए हैं कि आप कोई ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि जो बंदा मुझे ऑर्डर देगा वो मुझसे पूछ सकता है, तो आपने खुद ही यहाँ पर सवाल लिखने हैं, खुद ही जवाब देने हैं। इन सवालों जवाब का आपकी कैटेगरी गिग रिलेटेड से कोई ताल्लुक नहीं होता, आपने खुद ही ऐड करना होता है, जो मर्जी चाहे ऐड कर दें, गिग के रिलेटेड भी कर सकते हैं और गिग के अलावा भी, लेकिन अच्छा ये होगा कि गिग के रिलेटेड करें, अपने कॉन्टेंट के रिलेटेड करें, तो आपको अच्छा फायदा होगा। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या जहन में सवाल आएंगे, इसके लिए आप हेल्प लेंगे किस चीज़ की, आपने जाना है फाइवर पर और अपनी कैटेगरी से रिलेटेड ढूंढने कोई भी गिग। जैसा कि अगर आपको पता होगा मेरी ये गिग क्या है, अब हम चलते हैं ओवरव्यू पर, हमें पता चला मेरी ये गिग है डाटा एंट्री से रिलेटेड। ठीक है जी, मैं डाटा एंट्री से रिलेटेड मैंने कोई ये वाली गिग ढूंढ लिया है, इसका मतलब है आई विल डू डाटा एंट्री एंड कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, अब हम करते हैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन, यहाँ से ये गिग के पैकेजेस आ गए, पैकेजेस के बाद हमने स्क्रॉल डाउन करने लास्ट पे जाना है रिव्यू से ऊपर, यहाँ पर हमें इस गिग का FAQ सेशन दिखता है, हम यहाँ पर कर देते हैं जूम। ठीक है जी, इसने कितने 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवाल यहाँ पर लिख कर लगाए हैं। अब इनसे आपको आइडिया भी हो सकता है, आप इन्हें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, फाइवर इसको अच्छा नहीं समझता। हाँ, अगर आपने कॉपी करना है तो सवाल कॉपी कर लें, लेकिन उससे भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, कोशिश करें कि उसको देखकर खुद समझें। जैसा कि इसने लिखा है व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वुड यू प्रेफर, यहाँ पे इसने इसका जवाब दिया है आई हैंडल बोथ फिक्सेस बिगेस्ट प्रोजेक्ट एंड हॉर्ली रेट प्रोजेक्ट लार्ज एंड समाल। मतलब इसने सवाल किया है कि कौन से प्रोजेक्ट मैं पकड़ता हूँ, पर जवाब दे दिया कि हर तरीके के प्रोजेक्ट मैं पकड़ सकता हूँ। तो ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी गिग पर, यहाँ पर चलते हैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर चलते हैं हमारे FAQ सेशन में। तो जैसा कि अगर आप देखें तो हमने भी इससे रिलेटेड ही, हमने भी बिल्कुल जो है ना इसको देखकर ये सवाल खुद से बनाया। क्या सवाल बनाया हमने, हमने लिखा है विच टाइप ऑफ डाटा एंट्री सर्विसेज यू प्रोवाइड, मतलब आप किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने इसका जवाब दिया है आई प्रोवाइड अ लार्ज स्केल डाटा एंट्री सर्विस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप, प्लीज हैव अ लुक ओवर द डिस्क्रिप्शन। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हम हर तरीके की सर्विस पकड़ते हैं, और आप हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान लगाएं कि ये वाला पहला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम मिलता जुलता है, लेकिन जो बंदा पढ़ने वाला है 100% चेंज है। तो इस तरीके से अगर आप कॉपी मारेंगे तो आपको कोई भी किस्म का मसला नहीं आ सकता, 100% श्योर है।
दूसरा हमने सवाल लिखा है वाई शुड आई चूज़ यू, ठीक है, तो मतलब क्यों आपको कोई ऑर्डर देगा। तो हमने यहाँ पर लिखा ही है वन लार्ज स्केल एक्सपीरियंस, मतलब डाटा एंट्री में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके की चीज़ें आप जो है ना दूसरों के गिग से अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो है ना वो देख सकते हैं और फिर उसको कॉपी करके अपने में डाल सकते हैं, लेकिन उसके टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, उसके आइडिया को कॉपी करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आपने लगाना कैसे, आपने करना ऐड एफएक्यू के सेशन पे क्लिक, यहाँ पर आपने लिखना है अपना टाइटल, यहाँ पर लिखना है उसका आंसर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है और करना है ऐड के बटन पे क्लिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दिया, सवाल है जी डू यू हैव अ टीम टू हैंडल द वर्क लोड, मतलब आपके पास एक टीम है क्या आप मेरे काम को कर सके। तो हमने जवाब दिया यस आई हैव अ टीम कैन मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट एट अ टाइम प्लीज इनबॉक्स मी, बराए मेरे बने हमें मैसेज करें, हमारे पास बंदे बड़े हैं। तो यहाँ से हम करते हैं एंड, जैसे ऐड करेंगे तो ये देखा लास्ट पे क्वेश्चन लग गया। अब इसको अगर आप शुरू में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, होल्ड करके ये देखें फर्स्ट में डाल दिया, होल्ड करके लास्ट में डाल दिया, मतलब जहाँ पे दिल है तो डाल दें। इसको अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो गया डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ये वाला ऑप्शन है डिलीट, तो बस भाई आपका हर चीज़ हो गया डिलीट। अब हम करते हैं सेव, तो यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है प्रॉब्लम, तो जब आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी तो आपकी गिग सुकून से हो जाएगी सेव। अब हम करते हैं सेव, तो देखा आपने हमारी गिग 100% हो गई सेव। अब आपने करना है सेव एंड प्रीव्यू और अपने गिग को जा करके यहाँ पर जो है ना वो देख लेना है कि आपकी गिग जो है ना वो कैसे नज़र आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ लग गई होगी कि एफएक्यू वाला सेशन क्या है, किसे ऐड कैसे ऐड किया जाता है, फ़ायदा और नुकसान इसका क्या है। अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फाइवर से मैंने कितने पैसे कमाए, फाइवर का अर्निंग प्रूफ, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है और देखें और आप भी मोटिवेट हों कि फाइवर से कैसे और कितने पैसे तक कमाए जा सकते हैं।